अयोध्या में रामलला के आगमन में मात्र 11 दिन का समय बचा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोरों पर है। इस दौरान पूरी अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसके लिए कई निर्देश जारी किए हैं। 20 से 22 जनवरी के बीच अयोध्या आने जाने वाले वाहनों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आमंत्रित लोगों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सड़क रेल मार्ग पर आवश्यक इंतजाम किए जाने हैं। हर व्यक्ति की शिनाख्त करने की व्यवस्था भी लागू करने, शहर के 10,715 स्थानों पर कैमरे लगाने व समारोह स्थल की पुख्ता सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा ने एंट्री ड्रोन सिस्टम UPSSF की तैनाती करने, 1500 पब्लिक CCTV को ITMS से जोड़कर निगरानी करने, 20 जनवरी तक 2 क्रूज बोट्स के संचालन की व्यवस्था करने, समारोह के बाद उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ की सुरक्षा के लिए 27 जनवरी से 15 फरवरी तक CRPF की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अब अयोध्या में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक की निगरानी होगी। मुख्य सचिव ने शहर में मौजूद प्रत्येक बाहरी व्यक्ति का वेरिफिकेशन कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक अहम फैसला लिया है। सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि राम मंदिर उद्घाटन दिवस पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होगा। इस दिन स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, माघ मेला और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया। आपको बता दें कि 14 जनवरी से स्वच्छता का प्रदेशव्यापी अभियान भी शुरू किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अयोध्या की ओर आने वाली हर सड़क को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर की पूजन प्रक्रिया 16 जनवरी से ही विधि विधान से शुरू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा देश भर के 121 पंडित द्वारा संपन्न होगी। साथ ही 2 मंडप और 9 हवन कुंड भी तैयार किए जा रहे हैं। प्रत्येक हवन कुंड से विशेष महत्व और उद्देश्य भी जुड़ा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे।